हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, जैसे ही आप B2P की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी विजिट करेंगे जाकर के तुरंत में, तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। और आपको मालूम है कि जब भी आपके रिजल्ट के कार्य वगैरह यहाँ पे कर लीजिए डाटा अपलोड किए जाते हैं, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आता है। हालांकि यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को, अभी कैसे ओपन करना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन रिजल्ट की स्थिति की बात करें तो आपको मालूम है कि सेशनल अंकों की या फिर अन्य जो डाटा है, आपके कॉपियों की जो चेकिंग है, उसके प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। और आपको जैसा कि जावेद सर ने बताया था और जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि आपके जो रिजल्ट डिक्लेयर की डेट है, यानी कि जो रिजल्ट आने की स्थिति है या फिर कह लीजिए कि तिथि रहने वाली है, वो सितंबर के फर्स्ट वीक में रहने वाली है। और कल से आपका सितंबर का फर्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। ये आपको नहीं मालूम है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में पहले आएगा कि बीच में आएगा कि बाद में आएगा, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। या फिर अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में नहीं हो सकता है तो 10-12 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, यानी कि आपके रिजल्ट को लेकर के जितने भी कार्य हैं वो यहाँ पर कह लीजिए कि मैनेज किए जा रहे हैं, चाहे वो सेशनल मार्क्स हो, चाहे प्रैक्टिकल मार्क्स हो, चाहे आपके जो थ्योरी के मार्क्स होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड की जा रही होंगी। इसी तरीके से जब आपके डाटा वगैरह अपलोड होते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट वगैरह कह लीजिए क्रैश हो जाती है, बिजी हो जाती है। हालांकि अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जावेद सर का एक नया ट्वीट भी दिखाऊंगा। यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे, चलिए मैं आपको दिखा भी दूँ एडवांस पे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं पहले बैक करके दिखा दूँ। जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही होगी, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, कि अटैकर्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम B2P.ac.in। यानी कि अटैकर्स, एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे अटैकर्स के मतलब हैकर्स वगैरह की बात हो रही है। माइट बी ट्राइंग यानी कोशिश कर सकते हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं, टू स्टील मतलब चुराने को योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम B2P.ac.in, यानी कि आपके B2P से कहिए डाटा वगैरह वो चोरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे कहने का मतलब है जो बोर्ड है वहाँ पे आपका डाटा मैनेज कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा होगा। तो जो भी कार्य कर रहा होगा, अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो वो रिजल्ट को लेकर ही कार्य हो रहा होगा, रिजल्ट का डाटा अपलोड किया जाना, यानी कि मार्क्स वगैरह अपलोड किए जा रहे होंगे। तो बहरहाल स्थिति यही रही है, जैसे कि जावेद सर ने 3 दिन पहले भी कमेंट किया था कि पॉलिटेक्निक के कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें सम सेमेस्टर, अब सम सेमेस्टर से मतलब है बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर, सभी बच्चों के लिए बात हो रही है, जिन्हें सम सेमेस्टर के रिजल्ट की जरूरत 10 सितंबर से पहले है। अब 10 सितंबर से इनके क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, अब 10 सितंबर से हो सकता है कि जो रिजल्ट की स्थिति हो 5 तारीख को हो, 3 तारीख को हो, मतलब कि 10 सितंबर के पहले ही हो। हालांकि उनको मालूम चल जाता है, लेकिन अभी कंफर्म डेट नहीं होगी। अभी डाटा वेबसाइट पे मैनेज किया जा रहा होगा, उसके बाद से बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा या फिर कहिए कि डेट अनाउंस कर देगा कि हाँ चलिए 5 तारीख को, 3 तारीख को या फिर 8 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। उस हिसाब से जावेद सर भी बता देंगे। और इन्होंने जो पहले ट्वीट किया था उसमें ये बात कही थी कि जैसा कल छात्रों से कहा था कि पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जारी होने की संभावित तिथि बता दूंगा, तो छात्रों को आज बता रहा हूँ कि बोर्ड का प्रयास 10 सितंबर तक परिणाम जारी करने का है। उम्मीद ये भी है कि सितंबर प्रथम सप्ताह में जारी कर दिए जाएं। देखिए, सितंबर प्रथम सप्ताह यानी कि 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, कभी भी, अब जाहिर सी बात है सितंबर का फर्स्ट वीक आपका 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख कभी भी आपका जारी हो सकता है। तो इन्होंने ये भी कहा था कि सितंबर के मतलब बोर्ड का प्रयास ये है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाए, क्योंकि जो फाइनल ईयर के भी बच्चे हैं, कहिए कि वो जॉब वगैरह में नहीं गए हैं या फिर कई सारी वैकेंसी वगैरह आती रहती हैं, वो कहिए कि उनसे छूट जाती है। तो अब चूंकि अब इस बार से बोर्ड का यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो रिजल्ट वगैरह होते हैं उनको डिक्लेयर किया जाए। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये आधिकारिक रूप से पुष्टि की हुई जानकारी छात्रों के लिए है। आधिकारिक मतलब ऑफिशियल तरीके से पुष्टि की हुई जानकारी है, ये नहीं कि इन्होंने अपने मन से बोल दिया था कि हाँ सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे या फिर कहिए कि 8 सेप्टेम्बर 10 सेप्टेम्बर को आएंगे। ये बोर्ड से कहिए कि एक तरीके से ऑफिशियल सूचना थी, यदि इसमें कोई बदलाव होगा तो समय रहते जानकारी दे दूंगा, ये इन्होंने बात कही थी। और इसमें जो डेट मेंशन है 1 सेप्टेम्बर का फर्स्ट वीक जो है, तो हो सकता है कि आपका पूरा डाटा ऑफिशियल वेबसाइट पे मैनेज हो रहा होगा, तो इसलिए सारी चीज़ें सर्वर बिजी होंगी, सर्वर क्रैश होंगी, सर्वर डाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप आगे की ओर भी प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू B2P.in, और यहाँ पे अनसेफ दिखा रहा होगा कि अभी मतलब फिलहाल में अनसेफ है। तो यहाँ से आप चाहें ओपन करना तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको ओपन करने की। अभी आपके कहिए कि साइट पे कार्य वगैरह हो रहे हैं, और जब भी आपके रिजल्ट की स्थिति, जो भी सारे डाटा वगैरह अपलोड होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर रेड वगैरह बन जाता है, रेड करके HTTPS हो जाता है। क्योंकि जब भी वेबसाइट पर कार्य वगैरह होते हैं, मैनेज होते हैं डाटा वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो आई होप कि देखिए आपका जो रिजल्ट है जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। क्यों कह रहा हूं टेलीग्राम पे, कि आपको मालूम है कि जैसे ही आपका लिंक जनरेट होता है तो लगभग 10 मिनट 15 मिनट बच्चे देखते हैं, उसके बाद से सर्वर बिजी, साइट क्रैश कह लीजिए हो जाता है। तो लगभग कभी कभी 12 घंटे 15 घंटे
पे आपको वेट करने पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट करने पड़ते हैं। तो टेलीग्राम पे रहेंगे तो सबसे पहले आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, पहले देख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो देखने को तो मिलेगा ही, 10 घंटे बाद मिले, 12 घंटे बाद मिले, 15 घंटे बाद मिले, देखने को मिलेगा ही। लेकिन बच्चों के मन में थोड़ी सी उत्सुकता रहती है कि हम पहले अपना रिजल्ट देख लेते, तो थोड़ा सा टेंशन कह लीजिए खत्म हो जाता है माइंड से कि चलिए हमने अपना रिजल्ट देख लिया। तो बहरहाल देखिए रिजल्ट की स्थिति अभी एक तरीके से कह सकते हैं क्लियर हो गई है कि हाँ सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में लगभग हो सकता है, कभी भी जारी हो सकता है, आपके सारे डाटा अपलोड किए जा रहे हैं और जैसे ही कोई सूचना आती है, कोई आधिकारिक जानकारी आती है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।